असलम गाइज़ आई होप यू ऑल विल बी फाइन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थीम्स सिम्बल्स एंडल ऑफ तोफ़ी रफ़त जिसका पार्ट फर्स्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे आप हेल्प ले सकते हैं टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थीम्स सिम्बल्स एंडल ऑफ तोफ़ी रफ़त First of all, we will discuss all the important themes of Toofik Raffaz poetry. The theme is the overall message that is conveyed through a literary work. The first one is love for traditions. Toofik Raffaz अपनी kitchens poetry represent करते हैं कि modern world में traditions को follow नहीं किया जाता, इस वजह से उनको modern time period नहीं पसंद, उनको Pakistan की old traditions से बहुत ज़्यादा लगाव था. उन्होंने अपनी फेमस पोम्स अराइवल ऑफ द मॉनसून और विलेज गर्ल में नेचर और नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है पास्ट एंड द प्रेजेंट लाइफ फॉर तो रफत पास्ट इज सिंबल ऑफ ट्रेडिशन वाइल प्रेजेंट इज द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी अपनी फेमस पोम किचन में भी तोफ़ी रफत ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ का कम्पेरिजन करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट ने ट्रेडिशन को रिप्लेस तो कर दिया है मगर ट्रेडिशन की स्टिल वही वैल्यू है जो उनकी लाइफ में पहले होती थी

इट इज अ कलेक्शन ऑफ एट पोइट्स इसमें तोफीक रफत भी शामिल है ये 1971 में पब्लिश करवाई गई थी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था द लास्ट वन इज वर्ल्ड इन 1975 इसी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और वार हुई थी द नेक्स्ट वन इज राइटिंग स्टाइल तोफी रफत का राइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा यूनिक है वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं जो की कॉमन पीपल इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो अपनी पोइट्री में विविड इमेजरी यूज़ करते हैं जो कि रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और रीडर्स के माइंड में सीन की ऑलरेडी एक पिक्चर बन जाती है एक रफ़त अपनी पोम्स डेली ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करके लिखते हैं उनकी पोइट्री में एक ऑप्टिमिज़म यानी कि एक होप पाई जाती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है वेडिंग इन द द फ्लड शोज़ डिस्ट्रेटिव इफेक्ट्स ऑफ नेचर अपॉन ह्यूमन लाइफ तो रफत अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी पंजाबी और उर्दू फ्रेजेस को यूज़ करते हैं वो अपनी पॉम अराइवल ऑफ़ द मानसून में विंड के इफेक्ट को शो करते हैं जिसकी वजह से उनको एक रोमांटिक पोइट पी बी शैले से भी कम्पेयर किया जाता है पी बी शैले की पोम और टू तो द वेस्ट विंड में भी विंड के पावरफुल इफेक्ट्स को दिखाया जाता है सो आई होप आप लोगों को तोफीक रफ़त की अच्छे से समझ आ गई होगी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज़